सो हाय गाइस, दिस इज देव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज सेल्फिस्टिक से वीडियो बना रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ मुकीम साइड, क्योंकि एक भाई है हमारा, काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि मुकीम मार्केट की वीडियो बनाओ। मार्केट वहाँ पे काफ़ी छोटा है, तो जितना कवर हो सकता है उतना कवर करेंगे और आज उनका मन खुश हो जाएगा। तो अगर वो वहाँ पे हैं तो मिल सकते हैं, नहीं तो किसी अन्य दिन मिलेंगे। तो मिन्नी जा रही है आंगनवाड़ी तक, जिसका वहाँ पे कुछ काम है, और मैं जा रहा हूँ ढंडियाल गाँव, मेरा काम है वैसे, तो वहाँ से मैं अपना काम करके मुकीम चले जाता हूँ। तो आज की वो वीडियो मैं बना दूंगा जिसकी रिक्वेस्ट भाई बहुत पहले से कर रहे हैं कि मुकीम का मार्केट दिखाओ। एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे भाई लोग बाहर रहते हैं उनका बहुत मन करता है अपना गाँव देखने का, वो भी यूट्यूब में, न्यूज़ चैनलों में, और इनको हम छोड़ देंगे आंगनवाड़ी तक। तो चलो चलते हैं। गाइज, मैं दीन गांव में हूँ और आप देख सकते हैं ये है घंडियाल गांव। तो ये जो खेत देख रहे हैं ना नीचे, सारे इन्हीं के, कुछ दीन गांव वालों के कुछ इनके। तो देख सकते हो कितनी अच्छी लोकेशन है, और साथ में दिखी आप नीचे जो नदी बह रही है ना, ये बड़ी गजब लगती है नीचे में, ये देखें। गाइज, मैं हूँ अभी घंडियाल गांव में और यहाँ पे मैं अपना काम कर रहा। गाइज, मैं पहुंच चुका हूँ मुकीम का जो फ्रंट गेट है यहाँ पे, तो अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो बाइक मैंने यहीं पे साइड कर दी, क्योंकि अब मैं यहाँ से पैदल जाऊँगा, क्योंकि जो रिक्वेस्ट है वो पूरे घुमाने की है, तो पूरा घुमाऊंगा। और उतना बड़ा मार्केट तो है नहीं, लेकिन जितना होगा उतना कवर करता हूँ। तो ये है फ्रंट गेट। तो यहाँ पे बेसिक स्कूल है मुकीम का, और यहीं से शुरुआत होती है इस मार्केट की। तो बाइक मैंने यहाँ पे खड़ी कर दी और यहाँ से पूरा ब्लॉग बना के जाऊंगा। तो ये है मुकीम के खेत। आधे से ज्यादा लोग बाहर रहते हैं रोजगार संबंधित। ब्लॉगिंग का मजा वैसे या तो मोटो ब्लॉग में या फिर पैदल रास्ते में। यहाँ पे जो मकान दिख रहे होंगे सब पटाल के हैं और अभी तक पुरानी साइड के। तो यहाँ पे है वेल्डिंग वगैरह की दुकान, तो यहाँ से दुकानें वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पे फास्ट फूड सेंटर है और यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह, आज दुकानें कम खुली हुई हैं। तो गाइस, यहाँ पे होम स्टे वगैरह है, यहाँ पे आप लोग रह सकते हो। तो अभी इस होम स्टे में आपको कमरे वगैरह दिखाते हैं, किस टाइप की व्यवस्था है सब दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले तो आप बालकनी से व्यू देख सकते हो, कुछ इस तरीके का गजब का व्यू बनता है यहाँ पे। और यहाँ से आप सेम नागराजा के दर्शन भी कर सकते हो सुबह सुबह उठ के। और ये बालकनी है, और ये है रूम। इस वाले रूम का रेंट क्या है? रूम का तो हम लेते हैं 600 विद फूड, नाइट का 600 में खाना भी, 600 में खाना रहना एक आदमी का, एक आदमी का। वो इसमें इसमें कितने आदमी रह सकते हैं, मतलब इसमें ये भी हुआ है ना, ये भी बेड है, ये भी सोफा कम बेड है, दो लोग इसमें रह सकते हैं, दो इसमें रह सकते हैं, ये सोफा कम बेड है, ये सोफा कम बेड है। वैसे इसके ऊपर भी दो आदमी सो सकते हैं, इसके ऊपर भी दो आदमी सो सकते हैं। एक आदमी का 600, उसके साथ खाना देते हैं एक नाइट का। और ये है यहाँ का शौचालय वगैरह, इंग्लिश टॉयलेट भी है और इंडियन बाथ भी है। तो आप लोग देख सकते हो सफाई एकदम टनाटन है, टीवी भी है, ये लाइटिंग है। ये देखिए, तो ये भी एक डबल बेड जैसा हो जाता है, तो ये भी काफी अच्छा है। जैसे 600 में काफी कम रेट है भाई, वैसे क्योंकि ये कम, काफी कम रेट है, क्योंकि आजकल रेट बहुत हाई है और यात्रा भी ज्यादा चल रही है, तो लोग रेट बता रहे हैं, लेकिन आपका रेट वही है सेम। नहीं, हमारा एक ही रेट है, एक ही बस एक ही रेट है हमारा, रेट घटता है। तो जैसे चार लोग रहेंगे तो आराम से 2400 रूपए पड़ेगा, हाँ एक टाइम का खाना, आराम से रह सकते हैं। ये वाला ये भी सेम है, मतलब रेंट वगैरह सब सेम है, शौचालय भी एकदम साफ सुथरे हैं, सब अटैच्ड है बिल्कुल, और क्लीनिंग बहुत तकड़ी है भैया।
अंदर किचन है। किचन है लेकिन अब नीचे ही बनाते हैं। तो आप ऊपर नहीं बनता खाना? ना। खाना नीचे बनता है रेस्टोरेंट में। तो आप देख सकते हो 2 कमरे इनके पास और सुविधा बहुत अच्छी है, साफ सफाई एकदम दिख रही होगी आपको, एकदम क्लीन। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भाई जी मेडिकल फील्ड से भी हैं और मेडिकल वाले काफी सफाई में रहते हैं। चले तो इनका नंबर वगैरह डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप इनसे पूछ सकते हो कोई सवाल वगैरह, अगर कुछ पूछना है, कुछ मैंने छोड़ दिया है तो। अगर किसी भाई का पंचर वगैरह हो गया तो यहाँ पे हवा वगैरह भरवा सकते हैं। तो हमारे साथ हमारे प्रधान जी मुकेम के, अनिल शाह जी नमस्कार। आप हमें बताइए कि पहले ऊपर वाला मंदिर बना कि नीचे वाला? पहले तो गांव का मंदिर बना मुखिया। मुखिया अच्छा, और उसके बाद हमारा बना मंदिर। अच्छा, यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन तो बड़े भाई यहाँ पे अभी करीबन 3000 मुखेम गाँव के। मुखेम गाँव के, और अगर 3 गाँव मिला के होगी लगा लो तुम 5000 करीब। गाँव में तो काफी इकट्ठे इकट्ठे मतलब। हाँ गाँव तो कट्ठे हमारे पहले, एक्चुअली में क्या है पहले हमारे 3 गाँव कट्ठे थे। अच्छा, मुखेम, टोकरी, सदर गाँव, और कुछ समय हुए उनको जो अलग हुए। अच्छा, आज की डेट में 3 ग्राम 100 बन गए। कितने लोग हैं जो यहाँ से बाहर रहते हैं, कितने परसेंट लोग हैं मतलब? मुखेम गाँव से ये लगा लो क्योंकि 30% लोग हैं जो बाहर रहते हैं। कारण? रोजगार? रोजगार नहीं है, पलायन है बस। अच्छा, स्कूल की व्यवस्था नहीं है, ये फिलहाल तो ये शिक्षा व्यवस्था नहीं है, शिक्षा व्यवस्था नहीं है। अच्छा, नीचे मंदिर अभी बंद है या कोई है वहाँ? मंदिर तो खुला ही रहता है, मतलब वही आस पड़ोस में राहुल जी का मकान है वहीं पे। और नीचे जो पॉली हाउस वगैरह इनमें तो काफी तगड़ी सब्जी होती होगी? सब्जी से बराबर उगा रहे हैं हमारे रमोला जी उगा रहे हैं। अब आते हैं अपनी दोस्ती के ऊपर, तो आप इतनी गर्मी में चाय की भी चाय तो क्या बोलते हो, कहावत बोलते हैं गढ़वाल में न रहे और चाय न पिए तो फिर फैले जाए। तो कोई बात नहीं, यहाँ देखो धूप धूप में कोई मैटर, चाय में धूप का कोई मैटर नहीं है। क्या यार इतनी हाँ। गर्मी हो रही है, मेरे को भयंकर पसीना आ रहा भाई। नहीं, नहीं नहीं, हम तो आज की डेट में रिस्के जाए तो चाय जरूर वहाँ पियेंगे। अगर हम आज की डेट में रिस्के जाए तो चाय हम तभी पियेंगे, चाय तभी पियेंगे। चाय 50 डिग्री सेल्सियस हो, कुछ नहीं है, 50 हो, 60 हो, कुछ नहीं है, चाय पीनी है तो पीनी है। वो नाम गए मतलब। ठीक है प्रधान जी, चलते हैं। ओके ओके, तो गाइस वक्त है अभी यहाँ से घर जाने का। तो आज ये वीडियो काफी छोटी है, गांव में मैं जा नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ कोई है नहीं मतलब जो मुझे कुछ सूचना दे सके, यहाँ के बारे में कुछ जानकारी दे सके, तो इसलिए घर निकल रहा हूँ अभी। तो धूप भी तगड़ी तगड़ी हो रही है, तो घर निकलते हैं अभी। और मुखेम का जो वीडियो था वो मैंने बना दिया, तो एक हमारे भाई थे तो आज खुश हो गए होंगे। आते वक्त आप प्रसाद वगैरह यहाँ से ले सकते हैं, और साथ में हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं। तो गुरुजी जैसे श्रद्धालु वगैरह आते हैं तो यहाँ से प्रसाद वगैरह ले जाते होंगे? ऐसे रोकनी चाहिए यहाँ पे, यहाँ से आप ये भी ले जा सकते हैं झंडा वगैरह श्री श्याम नागरा तक। गाइस फाइनली घर पहुंचने वाला हूं और खाना वगैरह खाएंगे, मिलते हैं शाम को। जरा मौसम देखिए आज, अभी मौसम देखिए क्या खतरनाक चल रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और जो बंदे यहां आना चाहते हैं, ठहरना चाहते हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं, बाय, टेक केयर।